अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सब इंस्पेक्टर का टेस्ट देना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं। चाहे वो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का टेस्ट हो, चाहे वो ANF का हो, या फिर PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या SPSC या फिर ANF का हो, तो आज की हमारी वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपका जब भी एनी टाइम टेस्ट होगा सब इंस्पेक्टर का, तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा और आप इजीली अगर मेहनत करें तो उसको पास कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये पास्ट पेपर है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट 2016 का सब इंस्पेक्टर BS14 के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC के थ्रू। तो हम सीक्वेंस में ये तमाम MCQs आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ इनके जवाब भी बताते जाएंगे, आप साथ साथ ही इनको नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें, इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल लोकेटेड। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो किस सिटी में पाया जाता है। चार ऑप्शन है, वीना, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका सही जवाब हमारे पास है पेरिस, डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, पाकिस्तान रिसेंटली लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट इलेक्शन टू अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी, प्लीज़ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द UN बॉडी। चार ऑप्शन है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ऑप्शन नंबर टू सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच आर्टिकल ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो पर्सनल शेल बी deprived of life or liberty save in accordance with law। चार ऑप्शन है, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, आर्टिकल 9 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 10A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 1973 का आर्टिकल नंबर 10A किस चीज़ के लिए बना हुआ है। चार ऑप्शन है, राइट टू फेयर ट्रेल, ऑप्शन नंबर टू सेफगार्ड्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, राइट्स टू लाइफ, राइट्स टू फ्री स्पीच। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, राइट टू फेयर ट्रेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन है, 15, 19A, 12B, 11। और इसका करेक्ट आंसर है बी, 19A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज हैं। चार ऑप्शन हैं, 35, 36, बोथ 35 एंड 36, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 36। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पंजाब। तो ये पेपर चूँकि 2016 का है, तो उस टाइम ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर, मुश्ताक अहमद सुखीरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बोस्टल जेल्स इंस्टीट्यूशंस आर मेंट फॉर। चार ऑप्शन है, वुमेन प्रिजनर्स, कॉन्डेम्ड प्रिजनर्स, उसके बाद जुवेनाइल प्रिजनर्स, उसके बाद है हार्डेंड प्रिजनर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स लोकेटेड। चार ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वीना, जिनेवा, बर्लिन। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन चेयरपर्सन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चार ऑप्शन हैं, असमा जहांगीर, IA रहमान, अंसार बर्नी, जोहरा यूसफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जोहरा यूसफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर 1948। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट सीनियर रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन पुलिस इज SHO इंस्पेक्टर स्टैंड फॉर। व्हाट डज SHO स्टैंड फॉर, SHO से क्या बनता है। चार ऑप्शन है, सीनियर हेड ऑफिसर, स्टेशन हेड ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है स्टेशन हाउस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ODI क्रिकेट ऑन 10 नवंबर 2015। 10 नवंबर 2015 को कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। चार ऑप्शन है, यूनस खान, शुएब मलिक, कामरान मलिक, दानिश कनेरिया। इसका सही जवाब है यूनस खान, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार अयाज सादिक वाज रिसेंटली री इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, हु वाज द अदर कैंडिडेट इन द इलेक्शन। चार ऑप्शन है, सैयद खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, अलीम खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शफकत महमूद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नेम द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, सीरिया का प्रेसिडेंट कौन है। चार ऑप्शन है, हाफिज अल असद, बाबर अल असद, बशर अल असद, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बशर अल असद इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया। द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री म्यांमार वॉज प्रीवियसली नोन बाई द नेम ऑफ, चार ऑप्शन है, सियाम, यंगोन, बर्मा, कंबोडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बर्मा वॉज द प्रीवियस नेम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउडारा बस्टर्ड इज वन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स विच इज ऑन द इंडेगल लिस्ट, वट इज इट कॉल्ड लोकली। चार ऑप्शन है, तिलूर, चकोर, कुंज, बाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तिलोर, तिलोर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अबू बकर अल बगदादी इज द सेल्फ स्टाइल्ड लीडर ऑफ डेश, अलकायदा, हिजबुल्ला, शबाब मिल्ली, दाइश। चार ऑप्शन हैं हमारे पास और इसका सही जवाब है दाइश। प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान पेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान इन नवंबर 2015, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ताजिकिस्तान कैपिटल, ताजिकिस्तान के कैपिटल का क्या नाम है। चार ऑप्शन है, अस्ताना, अल्मेटी, उसके बाद है तशकींट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरीन मिडल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स वॉज अ हीरो ऑफ 1965 वार विद इंडिया, व्हाट वॉज हिज रैंक। चार ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही जवाब हमारे पास है विंग कमांडर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन सितंबर 2015 द यूएन समिट ऑन पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा एडॉप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड बाय 2030, हाउ मेनी गोल्स वर आइडेंटिफाइड। तीन ऑप्शन है, 10, 15, 17, 20। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान सक्सीड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, व्हेन वाज TDAP एस्टेब्लिश्ड। चार ऑप्शन है, 2000, 2004, 2005 एंड 2006। इसका सही आंसर है 2006। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एजेंडा फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाज डिफाइंड एट द लैंडमार्क यूएन समिट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, इन विच ईयर वाज द समिट हेल्ड। कौन से साल में ये मुनक्किद हुआ था। चार ऑप्शन है, 1990, 1992, 1997, 1999। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1992। द हेडक्वार्टर्स ऑफ OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज लोकेटेड इन। चार ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, जेनीवा, द हेग, वीना। इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट वन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। कोई डिफरेंट आपने जो है इसमें वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर एक है एप्पल्स, ऑप्शन नंबर टू ऑरेंजेस, ऑप्शन नंबर थ्री मैंगोज एंड ऑप्शन नंबर डी स्पेनिच। तो ये चार इसमें है, आपने जो है डिफरेंट वर्ड फाइंड करना है। तो आप इस पे गौर करेंगे, ये देखें, पहला ऑप्शन जो है वो फ्रूट्स में आता है, ऑप्शन नंबर टू भी फ्रूट्स में आता है, ऑप्शन नंबर थ्री भी फ्रूट्स में आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर फोर वो जो है सब्ज़ी है, तो ये फिर डिफरेंट हो गया। तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, इसका भी यही क्वेश्चन है जो 25 का है, हमने इन सब में से डिफरेंट निकालना है और यही 27 के लिए भी है। तो 26 में चार ऑप्शन है, लाइन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड। इन चारों में डिफरेंट कौन हुआ, इन सब में जो डिफरेंट होगा वो एलिफेंट, हाथी होगा, क्योंकि लाइन जो है वो तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, टाइगर भी तेज़ दौड़ने वाला जानवर है, लिपर्ड भी, जबकि एलिफेंट, हाथी वो तेज़ दौड़ने वाला नहीं है, तो ये डिफरेंट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी जो है हमने डिफरेंट तलाश करना है। तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर टू थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर थ्री डायमीटर और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी लैक्टोमीटर। तो इसमें जो डिफरेंट है हमारे पास वो है डायमीटर, क्योंकि बाकी सब जितने भी है बैरोमीटर, थर्मामीटर, ये सब जो है हमारे टूल्स हैं, लैक्टोमीटर भी हमारा टूल है, जबकि डायमीटर ये टूल नहीं है, ये यूनिट है हमारे पास, तो ये डिफरेंट होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। चार ऑप्शन है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत मेमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इज़ कंसीडर्ड एज द अनपेरेंटेबल सिन, इन सब में जो है वो कौन सा गुनाह है जो कुरान पाक में नाकाबिल मुआफ़ी है। ऑप्शन नंबर एक लाई, नंबर टू थेफ्ट, नंबर थ्री शिर्क, उसके बाद बैक बाइटिंग, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, शिर्क के इसमें माफ़ी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मस्जिद किबलतैन इज़ लोकेटेड इन, चार ऑप्शन है मक्का, मदीना, तैफ और उसके बाद है जेरूसलम। तो इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, मदीना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच सूरह इन द होली कुरान वाज बिस्मिल्लाह ट्वाइस, वो कौन सी सूरत है जिसमें दो दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। पहला ऑप्शन अल अहज़ाब, अल नमल, अल नूर, अल निसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरह अल नमल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सहाबा कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम्बेरस शहादत इन बैटल ऑफ बदर, शहादत हुई। चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 12, 14, 16, 18। इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अदर देन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम विच अदर प्रॉफिट वाज बोर्न विदाउट अ फादर, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, स्विम इज़ टू फिश एज वॉक इज़ टू डैश, आपने जो है कंपेयर करना है, अब स्विम इज़ टू फिश, चूँकि मछली जो है वो तैरती है दरिया में, तो स्विम इज़ टू फिश इसको कंपेयर किया गया है। उसके बाद वॉक इज़ टू मैन, बर्ड, चेयर, लेग्स, तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, अप्रिसिएशन इज़ टू रिवार्ड एज क्राइम इज़ टू, अप्रिसिएशन इज़ टू रिवार्ड एज क्राइम इज टू, चार ऑप्शन हैं, गिल्ट, एलिगेशन, पनिशमेंट, नीड। इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, एलिगेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज टू हार्ड एज फीदर इज टू वाइट बर्ड सॉफ्ट फ्लाई, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्लाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैट इज टू किटन एज डॉग इज टू डैश, चार ऑप्शन है पप्पी, कोल्ड, काफ, बेबी, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पप्पी। क्वेश्चन नंबर 38, विच कार कंपनी क्रिएटेड अ बिग स्कैंडल बाय टेम्परिंग विद द एमिशन मेजरमेंट सॉफ्टवेयर इन देयर कार्स, फोर ऑप्शन है हमारे पास, BMW, RD, Ford, Volkswagen, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, RD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ BRICS, एसोसिएशन ऑफ न्यूली इमर्जिंग इकोनॉमीज, चार ऑप्शन हैं, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, इंडिया, तो सही आंसर हमारे पास है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, G77 ग्रुप ऑफ 77 इज़ अ मेंबर ऑफ कंट्रीज क्लासिफाइड एज, फोर ऑप्शन मिडल इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, इन 1846 द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह फॉर एन अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, चार ऑप्शन है 70 मिलियन रुपीज़, 7.5 मिलियन रुपीज़, 17 मिलियन रुपीज़, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मिलियन रुपीज़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज पंजाब फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चार ऑप्शन है मियां अनवर अली, AB अवान, SN आलम, ऑप्शन नंबर डी, कुर्बान अली खान, तो इसका सही जवाब है कुर्बान अली खान। उसके बाद हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज़ इन, चार ऑप्शन है जेनीवा, वीना, नादेहोग, बर्लिन, इसका सही जवाब हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इज़ द करेक्ट आंसर।
उसके बाद हु होल्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज तरीन सेंचुरी किसने बनाई? चार ऑप्शन है, शाहिद अफरीदी, रोहित शर्मा, कोरे एंडरसन, ए बी डिविलियर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए बी डिविलियर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मुगल एम्परर हु डाइड इन 1556 आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स। चार ऑप्शन है, जहीरुद्दीन बाबर, शाहजहां, जलालुद्दीन अकबर, हुमायूं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल वाज कंप्लीटेड इन 1648 बाय एम्परर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ नेम्ड। चार ऑप्शन है, मुमताज़ महल, ज़ेबुन्निसा, जोधा बाई। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुमताज़ महल। उसके बाद 47, नेम द नवाब ऑफ बंगाल हु वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लिव इन द बैटल ऑफ प्लेसी। चार ऑप्शन है, नवाब शुजाउद्दौला, ये कुछ थोड़ा मिसटाइप्ड है इसलिए क्लियर से नज़र नहीं आ रहा। तो शुजाउद्दौला, नंबर बी नवाब सिराजुद्दौला, उसके बाद नवाब सलूनला, नवाब अम्मादुल मल्क। सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी, नवाब सिराजुद्दौला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज। चार ऑप्शन है, नवाब सईदुज़्ज़मान, नवाब सलीमुल्ला, सर आगा खान, नवाब आवकारुल मुल्क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, नेम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय साहिबजादा अब्दुल कय्यूम इन खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मर NWFP। चार ऑप्शन है, फ्रंटियर यूनिवर्सिटी, पिशावर कॉलेज, इस्लामिया हाई स्कूल पिशावर, इस्लामिया कॉलेज पिशावर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस्लामिया कॉलेज पिशावर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन व्हेन द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस इन 1947। चार ऑप्शन हैं हमारे पास और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, एथली। By the end of August 1947, all the Hindus majority states had acceded to India except. चार ऑप्शन है, हैदराबाद, जूनागढ़, both of them, none of them. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, both of them. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग UN पीस कीपिंग ऑपरेशन हैज़ बीन मैंडेटेड टू मोनिटर द LOG फॉर्मर सीज फायर लाइन इन कश्मीर। चार ऑप्शन हैं हमारे पास और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, UNMOGIP। चौधरी रहमत अली इशूड द पैम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933, वेयर ही वॉज स्टडीड एट दैट टाइम। चार ऑप्शन है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, अलीगढ़। सही ऑप्शन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैम्ब्रिज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू फेयर ट्रेल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू द अमेंडमेंट। चार ऑप्शन है, 17, 18, 19, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18th। उसके बाद छाओ बुर्जी इन लाहौर वाज द गेटवे टू द गार्डन बिल्ड फॉर प्रिंसेस डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब। चार ऑप्शन है हमारे पास, मुमताज़ महल, जीनत आलम, ज़ेबुन्निसा, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज़ेबुन्निसा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द बुक द सोल स्पोकमैन जिना द मुस्लिम लीग एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान वाज रिटन बाय। चार ऑप्शन है, अकबर एस अहमद, आयशा जलाल, हुसैन हक्कानी, जसवंत सिंह। इसका सही जवाब है आयशा जलाल, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा जस्टिन ट्रूडो हैज़ आल्सो रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, व्हाट वाज हिज नेम। चार ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान हॉकी टीम वन अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। चार ऑप्शन है, 1976 मॉन्ट्रियल, 1988 सियोल, 1992 बार्सिलोना, 1984 लॉस एंजलिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1984 लॉस एंजलिस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द पाकिस्तान्स मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये चूँकि 2016 का पेपर है तो उस टाइम के हिसाब से ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से इसका जवाब था ऑप्शन नंबर डी, एहसन इकबाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। चार ऑप्शन है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, स्टमक, थोरेक्स, लेग, नेक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पंजाब, चार ऑप्शन है, सरदार अब्दुल रब निश्तर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस म्यूटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, चार ऑप्शन है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, जियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी परवेज़ मुशर्रफ। उसके बाद इन विच कंट्री आर द एंजल फॉल्स लोकेटेड, चार ऑप्शन है, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, कनाडा, कीनिया, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई वाज अ फेमस ऑफ डैश पाकिस्तान, चार ऑप्शन है, सिविल सर्वेंट, पेंटर, आर्किटेक्ट, म्यूजिक कंपोजर, इसका सही जवाब है पेंटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज़ द पोर्ट ऑफ जेफिना, चार ऑप्शन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। नेक्स्ट, इफ़ 25 टॉयज कॉस्ट 500, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 75 टॉयज, तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1500। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज, आपने इन सीरीज में डिफरेंस निकालना है, तो इसका सही जवाब होगा हमारे पास ए, मतलब के 45। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 रह गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 3, 5, 5, 7, 7, यानी कि सब जो है इसमें ऑड नंबर्स हैं, तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा नेक्स्ट 9, 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर टू द ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज इन रिलेशन टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, चार ऑप्शन है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ। उसके बाद, अ रेक्टेंगुलर रूम इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई, व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम इन क्यूबिक मीटर्स, आपने इस पे फार्मूला लगाना है, तो आपके पास जो सही जवाब होगा वो 120 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद, इन 1 किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाय 28 मीटर और 7 सेकेंड, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द रेस, चार ऑप्शन है हमारे पास, 4 मिनट 3 सेकेंड, 3 मिनट 4 सेकेंड, 5 मिनट, 4 मिनट 17 सेकेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट 17 सेकेंड। उसके बाद, इमरान मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर ही हैड लॉस ऑफ 25% ऑन द कैपिटल ही हैड एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस, चार ऑप्शन है, 12%, 10%, 5%, 9% लॉस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 10%। राशिद बाइज 3 books फॉर RS16 ईच एंड 4 books फॉर RS23 ईच, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक, चार ऑप्शन है, 18, 20, 22, 24, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दी है, आपने इसको सॉल्व करना है, 888 divided by 0.8 multiplied by 8, इसका सही जवाब आपने फाइंड करना है, तो हमने फाइंड क्या हुआ है, इसका सही जवाब है ए 888 0, ये इसका करेक्ट आंसर है। विंडोज 2007 इज़ एन, चार ऑप्शन है, वर्ड प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दिस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। All the files deleted from the computer are stored in the recycle bin, my computer, my network places, internet explorer. इसका सही जवाब आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ए recycle bin. उसके बाद URL is an abbreviation of uniform room locator, universal resource locator, universal room locator, uniform resource locator. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी uniform resource locator. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड, कंट्रोल पैनल, ड्राइवर, मैसेंजर, ब्राउजर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ड्राइवर। अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वर्ल्ड वाइड वेब www पेजेस सच एज गूगल, याहू एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड मैसेंजर, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। इन कंप्यूटर सिस्टम वर्ड बूट इज यूज्ड फॉर to exit open software, to start up software, to shut down system, to start a computer. इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है to start a computer. उसके बाद what is acoustics?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइंस ऑफ साउंड। उसके बाद है इन ह्यूमन बॉडी गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। चार ऑप्शन है नर्वस, रिप्रोडक्टरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डाइजेस्टिव। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी टू द हार्ट। चार ऑप्शन है वेंस, आर्टरीज, कैपिलरीज, नॉन ऑफ दिस। सही जवाब इसका है वेंस। उसके बाद है ग्लॉकोमा इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्रेशर विद इन। चार ऑप्शन है आई बॉल, हर्ट, लंग्स, किडनीज। इसका सही जवाब है आई बॉल, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लेमन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। चार ऑप्शन है डी, सी, ए, ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंडमनेशन डिसअप्रूवल, यानी कि आपने इन दोनों को रिलेट करना है और जिस रिलेशन से ये दोनों वर्ड होंगे आपने उसका जवाब यहाँ पे देखना है। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लास्फेमी, इररिवरेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिहर्सल परफॉर्मेंस, इन दोनों को आपने रिलेट करना है और फिर आपने इसका सही जवाब यहाँ पे देखना है। तो रिहर्सल यानी कि प्रैक्टिस इंसान करता है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, तो आपने इस हिसाब से यही रिलेशन इन वर्ड्स में देखना है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, इंगेजमेंट, मैरिज। उसके बाद ग्रेसफुल मूवमेंट, इसका सही जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमेरियस लाफ्टर। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे इनके मीनिंग देखने हैं, एडहेयर के मीनिंग क्या है। चार ऑप्शन है गिव अप, स्टिक, क्रिटिसाइज, अपीयर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, स्टिक। उसके बाद है फनाटिकल, चार ऑप्शन है ऑब्सेसिव, मॉडरेट, ईगर, रिबेलियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, ऑब्सेसिव। उसके बाद है प्लेज, चार ऑप्शन है प्लेन, रफ, प्लेफुल, प्रॉमिस। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रॉमिस। इसी तरह फिर है ऑब्स्क्योर, चार ऑप्शन हैं एकेडमिक, एम्प्लीकेट, एक्सप्लिसिट, अगली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लिसिट। उसके बाद क्लैरिटी, चार ऑप्शन हैं एग्जैगरेशन, सिंप्लिसिटी, कन्फ्यूजन, रिवर्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कन्फ्यूजन। उसके बाद इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलिंक्विश, चार ऑप्शन है विड्रॉ, अटैक, एज्यूम, कंक्योर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एज्यूम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। 20 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जून, 18 दिसंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर। उसके बाद अगला सवाल उर्दू में है, यार जिंदा सोहबत बाकी, इस ज़र्बुल मिसल से क्या मुराद है। चार ऑप्शन है मोहब्बत जिंदा रहने तक रहती है, दोस्ती ज़िंदा रहने तक रहती है, ज़िंदा रहें तो मिलते रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ज़िंदा दिले दोस्त से दोस्ती कायम रहती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ज़िंदा रहें तो मिलते रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तजाहल आरफाना से क्या मुराद है। चार ऑप्शन है जानबूझकर अनजान बनना, गफलत से काम करना, जाहिल आदमी, अक्लमंद शख्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जानबूझकर अनजान बनना। उसके बाद अंदलीप शादानी का असल नाम क्या था। चार ऑप्शन है वजाहत हुसैन, मोहम्मद वली, सैयद मोहम्मद हुसैन, हबीब अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वजाहत हुसैन। उसके बाद यादों की बारात किस की सवाना हयात है। चार ऑप्शन है फैज़ अहमद, फैज़ अहमद नदीम कासमी, एहसान दानिश, जोश मली आबादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जोश मली आबादी। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है मैं किस के हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। चार ऑप्शन है मुस्तफ़ा जैदी, गालिब, परवीन शाकर, अहमद नदीम कासमी। इसका सही जवाब है मुस्तफ़ा जैदी। तो दोस्तों यहां तक ये तमाम 100 MCQs, ये था तमाम वो पास्ट पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब इंस्पेक्टर BS-14 का 2016 का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर आपको ऐसी लेटेस्ट जॉब्स की वीडियोज़ और पास्ट पेपर की वीडियोज़ मिलती रहें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।